हेलो स्टूडेंट्स, हिज टॉपिक इज इंसर्टिंग ब्रैक्स। जैसे आप कुछ डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं एमएस वर्ड में, अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट बहुत ही ज़्यादा लेंदी है तो उनको आप न्यू पेज पर उसको डिवाइड कर सकते हैं, न्यू पेज ऐड करके उसको डिवाइड कर सकते हैं, या उसी पेज पर कई सेक्शंस में उसको डिवाइड कर सकते हैं। इनको बोलते हैं हम ब्रैक्स। ये जो आपके ब्रैक्स होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। एक तो पेज ब्रेक होता है। पेज ब्रेक का मतलब जैसे न्यू पेज ऐड करना, ये आप कह सकते हैं। पेज ब्रेक मीन्स न्यू पेज आप ऐड कर सकते हैं, जिसमें जो भी आपका कंटेंट होता है, जैसे आपका एंडिंग पे आता है कर्सर, उस पर जाने से पहले ही आपका जो कंटेंट होता है वो न्यू पेज पर चला जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेज ब्रेक। और सेक्शन ब्रेक होता है मतलब उसी पेज पर उसको कई सेक्शंस में डिवाइड करना। ब्रेक्स अलाउ यू टू हैव प्रिसाइज कंट्रोल ओवर द ले आउट ऑफ योर डॉक्यूमेंट। ब्रेक्स आपके डॉक्यूमेंट के ले आउट पर कंट्रोल करता है। यू माइट वॉन्ट टू डिवाइड अ लेंथी डॉक्यूमेंट इंटू सेक्शंस फॉर बेटर ऑर्गेनाइजेशन। यू माइट वॉन्ट टू डिवाइड, अगर लेंथी डॉक्यूमेंट है तो उसको सेक्शंस में डिवाइड आप कर सकते हैं उसको, फॉर बेटर ऑर्गेनाइजेशन। यू मे नीड टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर बुक, यदि आपको बुक का न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है, और प्रोजेक्ट का रिपोर्ट फ्रॉम अ न्यू पेज, या न्यू पेज से रिपोर्ट स्टार्ट करना है, स्टार्ट कॉलम्स फ्रॉम अ न्यू सेक्शंस आपको कॉलम स्टार्ट करना है। वर्ड टू कंटेंट ऑफर्स टू टाइप ऑफ ब्रेक्स। वर्ड टू टाइप्स के ब्रेक्स आपको ऑफर करता है, पेज ब्रेक एंड सेक्शन ब्रेक। पेज ब्रेक इज यूज टू शिफ्ट टेक्स्ट टू अ न्यू पेज बिफोर रीचिंग द एंड ऑफ अ पेज। पेज ब्रेक यूज किया जाता है टेक्स्ट को शिफ्ट करने के लिए न्यू पेज पर, पेज के एंड पर पहुंचने से पहले। वर्ड इंसर्ट्स अ पेज ब्रेक एट द एंड ऑफ ईच पेज ऑफ डॉक्यूमेंट। वर्ड डॉक्यूमेंट के प्रत्येक पेज के एंड में पेज ब्रेक को इंसर्ट करता है। यू कैन मैनुअली इंसर्ट पेज ब्रेक्स टू ऑर्गेनाइज टेक्स्ट बेटर। आप मैनुअली भी टेक्स्ट ब्रेक्स को इंसर्ट कर सकते हैं। कैसे हम पेज ब्रेक इंसर्ट करते हैं? क्लिक द लोकेशन इन द डॉक्यूमेंट। सबसे पहले वो डॉक्यूमेंट जहाँ पे आप पेज ब्रेक को इंसर्ट करना चाहते हैं उस लोकेशन पे आप क्लिक कर देंगे। ऑन द पेज लेआउट टैब, फिर पेज लेआउट टैब पे इन द पेज सेटअप ग्रुप, पेज सेटअप ग्रुप में क्लिक द ब्रेक्स ऑप्शन। ब्रेक्स यहाँ पे ब्रेक्स बटन होगा, इस ऑप्शन पे आप क्या करेंगे, बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं पेज ब्रेकिंग के ऑप्शन सारे अपीयर हो रहे हैं, मेन्यू अपीयर हो रही है, और इसमें आप ये पेज ब्रेक का ये ऑप्शन है, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करते हैं, वर्ड इंसर्ट अ पेज ब्रेक एंड वर्ड पेज ब्रेक को इंसर्ट करता है एंड शिफ्ट द कंटेंट आफ्टर द कर्सर। और जो आपके जो कर्सर के बाद जितने भी कंटेंट होते हैं उनको नेक्स्ट पेज पर शिफ्ट कर देता है। तो इस तरह से आप अपने पेज में पेज ब्रेक को इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन ब्रेक। अ सेक्शन ब्रेक इज यूजुअली टू ब्रेक लेंथी टेक्स्ट ऑन अ पेज इनटू सेपरेट सेक्शन। सेक्शन ब्रेक यूज किया जाता है लेंथी टेक्स्ट को पेज पर सेपरेट सेक्शंस में डिवाइड करने के लिए, फॉर फॉर्मेटिंग और डिवाइडिंग इनटू पार्ट्स। कैसे अलाउ करेंगे, कैसे इंसर्ट करेंगे सेक्शन ब्रेक? क्लिक द लोकेशन इन द डॉक्यूमेंट। लोकेशन पर पहले आप क्लिक करेंगे जहाँ पे आप सेक्शन ब्रेक को इंसर्ट करना चाहते हैं। ऑन द पेज लेआउट टैब, पेज लेआउट टैब पर इन द पेज सेटअप ग्रुप, पेज सेटअप ग्रुप में ब्रेक्स बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करते हैं आपके सामने मेन्यू अपीयर होगी, और उसमें आपको ऑप्शंस मिलेंगे, नेक्स्ट पेज, कंटिन्यूस, इस तरह ऑप्शंस मिलेंगे। इस ऑप्शन में से जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप इन ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पेज ये किस लिए होता है? ऑप्शन टू इंसर्ट अ सेक्शन ब्रेक एट अ न्यू पेज। ये जो सेक्शन ब्रेक करता है वो न्यू पेज पर ऐड करता है। कंटिन्यूस ऑप्शन इंसर्ट अ सेक्शन एट अ करेंट लोकेशन, मतलब जहाँ भी करेंट लोकेशन है ये वहीं पर उस पेज को क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है। सेक्शन में मैंने आपको बताया था कि मतलब पेज को हम डिवाइड कर रहे हैं, तो ये न्यू पेज पर सेक्शन को इंसर्ट करता है, और ये करेंट जो लोकेशन है उस लोकेशन पर ही सेक्शन को ऐड करता है सेक्शन ब्रेक को। ओके, थैंक यू।